हाँ सर सुनो कर दीजिए। तो ट्विन टावर सबसे नया लेटेस्ट एडिशन है हमारे इंडिगो सिटी का। इंडिगो सिटी जो है हमारी 133 एकड़ की टाउनशिप है। ऑलरेडी बसी बसाई टाउनशिप है, 800 फैमिलीज ऑलरेडी रहती है यहाँ पे। तो इससे एडवांटेज क्या होता है, जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ होती है, बी एड सफाई करने वाले हो गए, प्रेस करने वाले हो गए और गाड़ी पहुँचने वाले हो गए, सारे ऑलरेडी इन प्लेस है, ऑलरेडी लोग ये यूज़ करते हैं फैसिलिटीज़ यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो फिर सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मिलेंगी। टाउनशिप का दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसमें हमारे पास 40 बड़े बड़े पार्क्स हैं। इसके बगल वाला पार्क ये है एम्पी थिएटर, सारे 40 के 40 सारे अलग अलग थीम्स पे है पार्क। ये वाला जो हमारा पार्क है एम्पी थिएटर के थीम पे है। एम्पी थिएटर में बीच वाला एरिया स्टेज टाइप का एरिया होता है, वहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीन लगा के आईपीएल देख लिया या फिर वहाँ बीच में परफॉर्मेंस कर लिया, बच्चों का कोई प्ले कर लिया, इस थीम पे है ये। बाकी ट्विन टावर में आपको बता देता हूँ, देखिए पहले टाउनशिप की एंट्रेंस है अलग है, ठीक है, टाउनशिप की सिक्योरिटी है, उसके अलावा इसकी एक और अलग से गेट होगी। तो इससे क्या होता है, डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि इसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होगी, मतलब आप इस सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें सोसाइटी के अंदर बैडमिंटन कोर्ट, किड्स प्ले एरिया और क्लब होगा। इसके अलावा टाउनशिप का क्लब भी आप यूज़ कर सकते हैं। टाउनशिप के क्लब में बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, उसके बाद आपका स्विमिंग पूल, जिम, बारबेक्यू एरिया, उसके बाद टेबल टेनिस पूल, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं। फंक्शनल क्लब है, ऑलरेडी लोग अभी वहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बताऊँ तो फिर इसमें G+11 टॉप फ्लोर है। जी पे आपकी स्टिल्ट पार्किंग है, क्लब है और लॉबी है। लॉबी की खास बात हमारी क्या है कि हमने दो फ्लोर को मिला के एक लॉबी बनाई है, डबल हाइट की लॉबी है। तो उससे एडवांटेज क्या होता है कि जब आप एंटर करेंगे, जब डबल हाइट की एंट्री होती है, बहुत बड़ी एंट्री होती है, बहुत ग्रैंड एंट्रेंस होती है। इसमें सामने दिया सो हाँ, तो उसमें शैंडलिया लगा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ी एंट्री लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ये है। इसमें अगर मैं आपको इन्वेंट्री की बात बताऊँ तो मेनली हमारे पास तीन टाइप की इन्वेंट्री है, 2 बेडरूम 2+ स्टडी और 3 बेडरूम, ठीक है। साइजेज और लेआउट मैं आपको शेयर कर दूँगा ये। उसके इस प्रोजेक्ट में खास बात क्या है, देखेंगे आप फ्लैट्स के बीच में गैप है, ये एक फ्लैट अलग है, दूसरा फ्लैट उससे और अलग है। इससे क्या होता है, यहाँ पर एक फ्लैट इधर है, दूसरा फ्लैट थोड़े गैप के बाद। जनरली क्या होता है, दो फ्लैट चिपके हुए होते हैं, बट हमने अलग अलग करके दिया है। इससे एडवांटेज क्या होता है कि एक तो खुला फ्लैट होता है, उससे क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है, हवा अच्छी फ्लो करती है। इसके अलावा जब आपकी पड़ोसी के साथ आपकी दीवार शेयर नहीं हो रही, तो पड़ोसी की आवाज़ भी आपके घर पर नहीं आएगी, तो इसका एक ही एडवांटेज है। और इसमें बेसमेंट कार पार्किंग भी है? बेसमेंट नहीं है, इसमें ओपन है और स्टिल्ट है। ये है मेजर लिप यही है, और ये बसी बसाई टाउनशिप में है, मैंने आपको बता दिया। टाउनशिप के अंदर स्कूल भी है, टाउनशिप के अंदर कमर्शियल भी है, तो राशन वाशन लेने के लिए आपको टाउनशिप से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर यही टाउनशिप के अंदर ही मिल जाएगा।